आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि दो कॉन्टेक्टर को कैसे इंटरलॉक किया जाता है। आप देख सकते हैं अभी एक कॉन्टेक्टर चल रहा है तो इसको हम दूसरे को ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको सबसे पहले बंद करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, इसको पहले बंद करेंगे फिर ये ऑन होगा, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, अगर हमें एक चल रहा है तो दूसरा अगर चलाना है तो उसको पहले वाले को बंद करना पड़ेगा और दूसरे वाले को ऑन करना पड़ेगा। इसको हम सर्किट के थ्रू भी समझेंगे और पूरा ये प्रैक्टिकल कैसे इसकी वायरिंग की है ये भी समझेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम दो कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक कर सकते हैं। ये इंटरलॉकिंग बेसिकली हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, स्टार डेल्टा के अंदर, रिवर्स फॉरवर्ड के अंदर, मेन सर्किट ब्रेकर के अंदर, ग्रिड पावर और जनरेटर पावर के अंदर, इन्वर्टर पावर और जनरेटर पावर के अंदर, बहुत सारी जगह पे हम इसको इस इंटरलॉकिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। चेंज ओवर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज हम आपको यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर के बीच में कैसे इंटरलॉक किए जाते हैं, आप शरीर में एक दूसरे के प्रति कैसे इसको इंटरलॉक किया जाता है। सर्किट ब्रेकर के अंदर भी ऐसे ही इंटरलॉकिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। सर्किट की सहायता से हम समझेंगे इसको कि कैसे ये होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये दो कॉन्टेक्टर हैं, ठीक है, इनके टर्मिनल्स है ये, एक NC है और दो NO टर्मिनल है, इसके भी ऐसे ही है, एक NC है और दो NO टर्मिनल है, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर है तो इसकी इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे, एक ये कॉन्टेक्टर ये हो गया, दूसरा कॉन्टेक्टर ये हो गया, ये K1 K2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी इंटरलॉकिंग मान लेते हैं हमें सिर्फ एक स्टार्ट स्टॉप करना है, यहां पे एक स्टॉप बटन लगाया, यहां पे एक स्टार्ट बटन लगा दिया, इसके होल्डिंग में हम इसका होल्डिंग वाला NO पॉइंट दे दिया हमने, ये वाला पॉइंट, एक NO पॉइंट हमने यहां पे यूज कर लिया, ठीक है, जो कि होल्ड करके रखेगा इसको। और यहां पे हमने एक पॉइंट छोड़ दिया ऐसे ही और उसको A1 इसकी कॉइल के अंदर दे दिया, नीचे से A2 के अंदर न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, यहां से न्यूट्रल और ये फेज, ठीक है। तो अभी दूसरा भी इसी तरह बना लेते हैं इंटरलॉकिंग में, अभी इसके अंदर इंटरलॉकिंग नहीं दी है, मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले इसका भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। ये यहाँ पे स्टॉप बटन, स्टार्ट और ये स्टार्ट बटन, ठीक है, और ये इसी तरह से एक यहाँ पे भी छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे A1 के अंदर और ये A2 में न्यूट्रल, ठीक है, और यहाँ पे एक होल्ड करने के लिए, इस स्टार्टर को होल्ड करने के लिए हमने इसका NO यूज़ कर लिया, एक ये वाला NO इसका यूज़ कर लिया, ये वाला NO इसका यूज़ कर लिया, ठीक है। अभी जो ये पॉइंट हमने लिए हैं ये इंटरलॉक कैसे करने हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। अभी जैसे कि ये कॉन्टेक्टर हमने ऑन करना है, अगर ये ऑन हो गया तो ये ऑन नहीं होना चाहिए, ऐसी इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये ऑन है तो ये ऑन नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक टाइम पे एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, दूसरा ऑन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्टर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आप सर्किट ब्रेकर, ACB ब्रेकर, VCB ब्रेकर कोई भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो सप्लाई आपस में ना भिड़े वहाँ पे इंटरलॉक करते हैं हम। मैकेनिकल सिस्टम में भी इंटरलॉक होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंटरलॉक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को हम इस कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट ले लेंगे, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से वायर जोड़ के यहाँ पे जोड़ देंगे हम, यानी कि ये K2 का NC यूज करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे K1 का NC यूज करेंगे। इस कॉन्टेक्टर का ये वाला जो ये वाला वायर है यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ से इस वायर को यहाँ पे उठा के ले आएंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, इसका NC यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इसका NC यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अभी काम कैसे करेगा ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, यहाँ पे वायरिंग एक बार डायग्राम समझ लीजिएगा उसके बाद आप देखिएगा। जैसे ही हम स्टार्ट बटन दबाएंगे, यहाँ से इसका NC पहले से ही दिया हुआ है क्योंकि इसका NC है, इसको सप्लाई मिल जाएगी तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होते ही इसके जो कॉन्टेक्ट होंगे ये NO NC जो भी है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, जो NC है वो NO, जो NO है वो NC, तो ये जो NC है वो NO हो जाएगा, ठीक है। उस केस में अब जब हम ये कॉन्टेक्टर चल रहा है
तो इसको हम दबाएंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई छूट गई है, क्योंकि ये NO बन चुका है, ये ऑन हो गया है। तो ठीक है, तो पहले इसको स्टॉप करेंगे, फिर ये NC आएगा, फिर इसको चलाएंगे तब ये चलेगा। ऐसे ही इस केस इसमें भी होगा, जब इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा, और इसको चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये चल रहा है तो ये पॉइंट NO बन जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अभी हम इसकी वायरिंग करके सेम ऐसे ही आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो दो पुश बटन ले लिए हैं, ये स्टार्ट का, ये स्टॉप का, ये स्टार्ट का, ये स्टॉप का। ठीक है, सबसे पहले सर्किट के अनुसार जो वायर आई थी वो स्टॉप बटन के अंदर आई है, तो हम इसके अंदर भी एक वायर जोड़ देते हैं। पहले मैं आपको ये स्विचेस की वायरिंग छोड़ के, सिर्फ इंटरलॉकिंग आपको छोड़ के ये पूरी वायरिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने पुश बटन के जो ये इनकमिंग सप्लाई दे दी है, और ये इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है। तो यहाँ से जो स्टार्ट बटन है वहाँ से एक वायर निकल गई है, ये इसका है और ये इसका है। तो जो ये स्टार्ट बटन से जो वायर निकलती है फ्रेंड्स, ये इसमें ये आप देख सकते हैं ये वाली वायर है, ठीक है, सर्किट के अंदर। तो इस वायर को हम इस कंडक्टर के लिए ऑन करने के लिए ले रहे हैं ये, बट इसको हम इंटरलॉकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के साथ इसका जो NC पॉइंट है, आप देख सकते हैं इसका NC पॉइंट है 61 नंबर और 62 नंबर, इसके NC वाले पॉइंट के अंदर इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। और जो दूसरी साइड जो NC बचता है फ्रेंड्स इसका, यहाँ पे वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और उस वायर को छील के यहाँ पे जो 61 नंबर है वहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने वायर ली है, इसको हम 61 नंबर पे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये 61 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये आउटपुट इस 61 नंबर से जो ये वायर निकलेगी, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक की इसको कट कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, छील के इसके जो A1 है, इसका A1 है, कंडक्टर का A1 है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कॉइल का A1 है, इस A1 के अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये बात ध्यान में रखना फ्रेंड्स, जितने भी हम टर्मिनल को टाइट कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइट होने चाहिए, अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसी तरह से ये दूसरा है, दूसरी इस स्विच का है इसके लिए, बट इसको हम क्या करेंगे, इसके NC से लेके जाएंगे इसको। तो इसको हम छील लेते हैं और इसको इसके NC वाले पॉइंट पे, आप देख सकते हैं इसका 61 और 62 नंबर, ये NC लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके ऊपर NC लिखा हुआ है। तो इसके अंदर इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। और एक वायर लेंगे, जैसे हमने पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर के अंदर किया था, इसके 61 नंबर से निकाल के एक वायर, ये हमने एक वायर छील ली है, और जो इसके 61 नंबर से हमने निकाल के यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम इस तरह से यहाँ तक मेजरमेंट करके इसको कट कर लेंगे, और यहाँ से छील के इसको फिर कॉन्टेक्टर के A1 में इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको एक बार सर्किट के अंदर समझा देता हूँ कैसे था ये, आप देख सकते हैं ये सर्किट है। सबसे पहले फेज वायर आया स्टॉप बटन में, स्टॉप बटन से स्टार्ट बटन में, स्टार्ट बटन से फिर इंटरलॉकिंग में, दूसरे कॉन्टेक्टर के इंटरलॉकिंग से फिर निकल के K वाले में, ऐसे ही दूसरा है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे वायरिंग की है। अगर कुछ समझ में ना आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिए। और यहाँ से फ्रेंड्स A2 के अंदर हमने कॉमन दोनों न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसकी इंटरलॉकिंग इसको चेक करके देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कि कैसे काम कर रहा है ये। फ्रेंड्स, हमने
ये इंटरलॉकिंग वगैरह तो कर दी, बट इसके अंदर अभी होल्डिंग बाकी है, क्योंकि हम जब इसका बटन दबाएंगे तो ये एक बार ऑन हो जाएगा, बट इसको छोड़ेंगे ना तो ऑफ हो जाएगा ये। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्टेक्टर का एनओ से हमने इसके पैरेलल में एक पॉइंट ज्वाइंट करना है, क्योंकि हमने आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर यहाँ पे ये दिया हुआ था, ये होल्डिंग पॉइंट है। तो ये एनओ वाला यूज़ करेंगे हम, 53 और 54 नंबर यहाँ पे एक वायर जोड़ेंगे इसके साथ में, यहाँ से A1 से एक वायर जोड़ के यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ से वायर जोड़ के इसके एनओ वाले पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी होल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। होल्डिंग करने से आपके इसके क्या करना पड़ेगा, इसके एक वायर लेनी है, वायर को आपको जो इसका एनओ पॉइंट है, होल्डिंग हमेशा एनओ पॉइंट से ली जाती है फ्रेंड्स, इसके एनओ वाले पॉइंट से, ये 54 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे इसकी वायर जोड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ गई है और इसको हम A1 के पास कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ऊपर ला थोड़ा लूज कनेक्शन था इसलिए निकल गए। सबसे पहले हम इसके एनओ में जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको हम दूसरा पॉइंट इसका A1 में जोड़ देंगे, ठीक है, जो कि पैरेलल में होगा, आपको पता ही है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जुड़ गया है। अभी जो इसका एनओ का दूसरा पॉइंट है, यहाँ से हम एक वायर लेंगे और इसको हम यहाँ पे जोड़ के इसको जो ये एनओ पुश बटन है, इसके जो जिस साइड हमने एनसी वाला कनेक्ट किया हुआ है उस साइड इसको जोड़ना है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। इसी तरह फिर दोनों कॉन्टेक्टर को सेम कर लेना है, दोनों कॉन्टेक्टर की होल्डिंग सेम कर लेनी है। तो हम इसको जोड़ के अभी आपको ट्रायल लेके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी होल्डिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर हमने सप्लाई भी दे दी है, ठीक है। अभी हमें ये डिसाइड करना है कि ये पहले कॉन्टेक्टर चलाना है या ये, मान लेते हैं हमें ये वाला कॉन्टेक्टर चलाना है, तो इसको हम ये वाला ग्रीन वाला बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो गया फ्रेंड्स। इस कंडीशन में अगर हमें ये वाला चलाना है तो इसको हम दबाते रहेंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसको हम स्टॉप करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे, तब जाके ये ऑन होगा। आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया, और अब ये चल रहा है तो ये नहीं चलना चाहिए, तो इसको हम दबाएंगे ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, ना ये स्टॉप, कुछ भी मतलब कोई इसका रिएक्शन एक्शन कुछ नहीं हो रहा। इसको स्टॉप करके फिर इसको चलाएंगे, ठीक है। तो ये किस तरह से इसकी इंटरलॉकिंग की है आपने देख लिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।